वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्री राम का नारा और वही सबका पालनहार है, उसी ने सृष्टि को बनाया है। तो इसी चीज को जब आप वेदों में देख रहे हो तो ऋग्वेद के मंडल एक का सूत सात का दसवां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्मय श्री हवामय जनेभ्यः अस्माकम् अस्तु केवला। ईश्वर एक ही है और वही सारे संसार का पालनहार है, ये चीज लिख रही है। आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? अच्छा, बहुत ऑनेस्टली बात करूंगी। वैसे तो हमारे इस्लाम में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि निकाह की मैं बात करूंगी, ठीक है। हमारे इस्लाम में टोटली राइट्स ही हस्बैंड को हैं, लाइक वो डाइवोर्स कर दे तो टोटली ख़त्म हो गया रिलेशन, ठीक है। जबकि हमारे इस्लाम में है, और कुछ हद तक इस्लाम में भी बहुत से रूल्स ऐसे भी लागू होते हैं जो वाइफ के लिए भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इंडियंस पे ऐसा है कि उसने वाइफ को पहले कंसिडर किया जाता है, लाइक वाइफ के परमिशन के बिना कुछ हो नहीं सकता। जबकि हमारे यहाँ और अच्छी बात उनकी है कि उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पक्का की दब। बिल्कुल, बहुत आपने वो मतलब क्या कहते हैं ना, बेनिफिट वाली बात बताई है कि हम लोग ईमान पे पुख्ता यकीन रखते हैं, हम डगमगा जाते हैं। हाँ, तो जो है अपने उनका बहुत पक्का कीदा होता है, वो सोचते हैं कि ये जो हम कह रहे बिल्कुल वो पूरा होगा और यकीनन हो। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, पाकिस्तानी मुसलमानों ने ये कबूल कर लिया है कि शुरुआत में वो भी हिंदू हुआ करते थे। उनका कहना है कि शुरुआत में केवल और केवल एक ही धर्म था और वो था हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म से ही बाकी सभी धर्मों की उत्पत्ति हुई है। हिंदू धर्म एक बहुत ही महान और बहुत ही पुराना धर्म है, जो कि दुनिया भर के लोगों को जीवन जीने की कला सिखाता है। का पालनहार है, उसी ने सृष्टि को बनाया है। तो इसी चीज को जब आप वेदों में देख रहे हो तो ऋग्वेद के मंडल एक का सूत सात का दसवां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्मय श्री हवामय जनेभ्यः अस्माकम् अस्तु केवला। ईश्वर एक ही है और वही सारे संसार का पालनहार है, ये चीज लिख रही है। ऑनेस्टली बात करूंगी, वैसे तो हमारे इस्लाम में कुछ चीजें हैं, जैसे कि निकाह की मैं बात करूंगी, ठीक है। हमारे इस्लाम में टोटली राइट्स ही हस्बैंड को हैं, लाइक वो डाइवोर्स कर दे तो टोटली ख़त्म हो गया रिलेशन, ठीक है। जबकि हमारे इस्लाम में है, और कुछ हद तक इस्लाम में भी बहुत से रूल्स ऐसे भी लागू होते हैं जो वाइफ के लिए भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इंडियंस पे ऐसा है कि उसने वाइफ को पहले कंसिडर किया जाता है, लाइक वाइफ के परमिशन के बिना कुछ हो नहीं सकता। जबकि हमारे यहाँ ऐसे कंसिडर नहीं करते। अच्छी से शुरुआत यह है कि हिंदू कल्चर जो है वो उसको पॉजिटिव वे में अगर लें तो वो उनका हमारे साथ कल्चर जो है वो रिजेंबल करता है। तो मैं इस चीज़ को पॉजिटिव वे में ले सकता हूँ कि क्या रिजेंबल करता है, मतलब जैसे हमारी शादियों के फंक्शन हिंदुओं के साथ मिलते जुलते हैं, हमने अडॉप्ट किए उनके जो वहीं से आती हैं, जिसमें पहले लीवर ट्रांसप्लांट होता था जो कि वहीं से ही होता था, तो वो काफी ज्यादा पाकिस्तानियों के साथ मतलब अच्छे तरीके से पेश आते थे। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में कई ऐसी वीडियो निकल कर आई है जिसमे पाकिस्तानी लोग हिंदू धर्म की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि अब यहां पर मैं किसी और धर्म की कोई इंसल्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो हिंदू धर्म है वो वास्तव में एक बहुत ही महान धर्म है, और इस बात को स्वीकार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हिंदू धर्म में ही कई देवी देवताओं ने भारत में जन्म लिया है, और जिन्होंने धर्म के पथ पर चलकर और धर्म के मार्ग के अनुसार ना जाने क्या क्या काम किए हैं, जिसकी वजह से आज भारत पूरी दुनिया में एक महान देश कहलाता है। हिंदू धर्म पूरी दुनिया में एक महान धर्म इसलिए है क्योंकि हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी ये लिखा है कि हमें कभी भी किसी भी इंसान के साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, और तो और अगर आपका कोई दुश्मन भी है तो आपको उसके साथ भी नैतिक व्यवहार करना चाहिए। हिंदू धर्म की इसी महानताओं की वजह से आज हिंदू धर्म केवल भारत तक ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। दुनिया के कई कई देश तो ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू धर्म बहुत ही तेजी से फैल रहा है, और दुनिया के कई ऐसे सफल लोग हैं जो कि ये बताते हैं कि आज वो जिस मुकाम तक पहुंच पाए हैं उसके पीछे केवल और केवल भगवान का आशीर्वाद है और हिंदू धर्म का ही हाथ है। अमेरिका की एप्पल कंपनी के मालिक, फेसबुक कंपनी के मालिक और अमेरिका की फोर्ड कंपनी के मालिक, और तो और जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा ने खुद ने ये बताया है कि उनके साथ हिंदू धर्म का एक बहुत ही गहरा रिलेशन रहा है, और तो और वो आज भी हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा अपने साथ लेकर ही चलते हैं।
और तो और हॉलीवुड के कई स्टार तो ऐसे हैं जो कि 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ में लेकर ही रहते हैं। अगर वो फ्लाइट में ट्रेवलिंग भी करते हैं तो वो हमेशा दो सीट बुक करते हैं, जिसमें बाजू वाली सीट में वो भगवान श्री कृष्ण को बैठाते हैं और उसके बाजू वाली सीट में वो खुद बैठकर ट्रेवल करते हैं। दुनिया के कई महान शख्सियतों ने ये खुद कबूल किया है कि जब से उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है तो उनका पूरी तरह से हृदय परिवर्तन हो चुका है। मतलब अगर वो क्रिश्चियन है तो वो क्रिश्चियन तो है लेकिन वो पूर्णतः अंदर से हिंदू बन चुके हैं। अब वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं और 24 घंटे भगवान की पूजा करते हैं। और यही कुछ कारण है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में भी हिंदू धर्म की इतनी ज्यादा प्रशंसा की जा रही है। हालांकि आज भी पाकिस्तान में कई लोग ऐसे हैं जो कि जबरदस्ती पाकिस्तान में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं और तो और जो हिंदू लोग हैं उनको करंट दिए जा रहे हैं, उनको जलाया जा रहा है ताकि वो धर्म परिवर्तन कर लें और इस्लाम को कबूल कर लें। अब यहाँ पर मैं आपको एक जबरदस्त एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ से आप ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हो और अगर आप चाहो तो रेफर करके भी पैसा कमा सकते हो। इस एप्लीकेशन का नाम है अपस्टॉक और अपस्टॉक एक जेन्युइन ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जिसमें रतन टाटा जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। अब सिंपली इसके लिए आपको करना ये है कि जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है वहाँ से जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। बिल्कुल, ये बहुत आपने मतलब क्या कहते हैं ना बेनिफिट वाली बात बताई है कि हम लोग ईमान पे पुख्ता यकीन रखते हैं, हम डगमगा जाते हैं। हाँ, तो जो है अपने उनका बहुत पक्का कीदा होता है, वो सोचते हैं कि ये जो हम कह रहे हैं बिल्कुल वो पूरा होगा और यकीनन हो जाता है उनकी बात। आप देखते हो कि हम लोग कहते हैं जब हमारे पे मुसीबत आती है हम अल्लाह को तब याद करते हैं, बिल्कुल उसके अलावा नहीं करते ना, ना शुक्रिया करते हैं, बिल्कुल नमाज का हमें पता नहीं होता है, ऑल ओवर वैसे हमें चीजों का सब पता होता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ पर देखते हो कि हिंदू में ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है कि उनके कोई होता है ना जैसे मुझे उनके इतने त्योहारों का पता नहीं है जो वो करते हैं पूजा वगैरह ऐसा, उन्होंने रेगुलर करनी है और हमें हम पे फर्ज है नमाज, हम नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल यही बात है ना, एक पढ़ेंगे जो कहेंगे चलो कल पढ़ लेंगे या बाद में पढ़ लेंगे। बात उनमें ये है कि उनमें यूनिटी होती है अपने लीडर को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे आजकल हमारे इश्यूज चल रहे हैं कि मतलब हमारे में यूनिटी नहीं है और उनमें लॉयल होते हैं वो अपने रिलीजन के साथ। उन लोग गुस्सा बहुत कम आता है, बात करने का अंदाज बहुत अच्छा होता है और मीठे लोग होते हैं, मीठे लोग होते हैं जैसे गुड़ों की तरह मीठे होते हैं। और जो जो भी हैं उनको एक राइट है, उनका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, हमारा मजहब राइट देता है कि हर मजहब अपना अपना फेस्टिवल मनाए, लिबर्टी हासिल है, आजादी है तो वो कुछ भी करें। मैं उनका नाम बताइएगा। शिव शंकर भगवान। शिव शंकर भगवान। और ये साथ हमारे जो कलाम हैं चार कुल हैं वो भी आपने लगाए हैं, ये भी आपने लगाए हैं। हालांकि अब आप मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है कि जो आपका धर्म है वो इतनी तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है, एंड अगर आप हिंदू धर्म के नहीं हो तो भी आपको एक गर्व तो होना चाहिए क्योंकि ये भारतीय धर्म है। सवाल उठा रहे हैं हम भी पहले हिंदू थे तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूंगी कि 20-25 हज़ार साल पहले सारे ही हिंदू थे, मुसलमान 1400 साल बाद हम हुए ना, अब 1400 साल में 1500 साल हमारा शुरू है लेकिन सनातन हजारों साल की किताब है जो 10,000 साल जो हादसा पेश आया और दोस्तों सनातन धर्म इस्लाम है इसलिए तब्दीली है, दूसरे को मुसलमान करो दूसरों को मुसलमान सनातन धर्म में। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।